हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिहार वैकेंसीज 2020 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अभी जो है कनिया अभियंता के लगभग जो है 6389 पदों पर आप लोग का ये डायरेक्ट भर्ती लिया जा रहा है, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग का शुरू हो चुका है। बात करें लास्ट डेट की तो 17 तक आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज़ की अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक जानकारी दे पाएंगे कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे कौन कौन नहीं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि तकनीकी सेवा आयोग करेगा 6389 जई नियुक्ति, 17 फरवरी तक मांगा गया आवेदन। तो इस जो है वैकेंसीज की अधिक जानकारी आप लोग को पिछली वीडियो में हमने दे चुके हैं, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो अभी जो ये वैकेंसीज आप लोग का रीओपन हुआ है, ठीक है, तो इससे पहले आप लोग को बता दें 2019 में आप लोग का यह वैकेंसीज आई हुई थी, जिसकी विज्ञापन संख्या आप लोग को बता दें 01/2019 के अंतर्गत यह वैकेंसीज निकाला गया था। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कॉमेंट है कि 2019 के जो है पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं या फिर नहीं। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे ये वैकेंसी स्पेशल जो है ओल्ड एज यानी कि एजेड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, 2011 पास आउट। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें 2019 वालों के लिए कि आप लोग का भी जो है अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप लोग का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, अप्लाई कर देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चांस आप लोग का कम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो विज्ञापन संख्या है 01/2019 यानी कि जो जनवरी 2019 के पास आउट कैंडिडेट है स्टूडेंट है वो लोग यहाँ पे कर सकेंगे। इसके अलावा उसके नीचे आप लोग जो उसके आगे अगर आपका जो है यहाँ पे पास आउट निकल जाए तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये बात को ध्यान दीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको आगे कोई भी न्यूज़ अभी निकल के आती है हाल ही फिलहाल में तो आप लोग को बताएंगे। बहुत लोग का कॉमेंट था क्या कि अभी जो ये वैकेंसीज निकली हुई है 6389 पदों के लिए, हमने अप्लाई किए थे, पूर्व ही अप्लाई किए थे, क्या दोबारा अप्लाई करेंगे? जी नहीं, आप लोग को दोबारा अप्लाई नहीं करना होगा। तीसरी यहाँ पे बात करेंगे, बहुत लोगों का फॉर्म में जो है गड़बड़ी हो गई कि वो लोग एडिट कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न उठ रही है। तो एडिट के लिए अभी कोई भी ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं एडिट के लिए आप लोग को ऑप्शन बहुत जल्द दे दिया जाएगा, और हर एक एग्ज़ाम में ये लगभग दे दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी एडिटिंग के लिए ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग वेबसाइट चेकआउट करते रहिएगा, आप लोग को रजिस्ट्रेशन माध्यम से और रजिस्ट्रेशन संख्या और आपके पासपोर्ट के माध्यम से आप लोग चेंजेस कर पाएंगे, और इसकी भी सूचना आगे आप लोग को देंगे। और अधिक जानकारी आप लोग जो है BTSC या फिर परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं इसकी विज्ञापन, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसकी अधिक जानकारी आप लोग इस वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहेंगे, आप जितनी भी जानकारी अभी आप लोग को दी है जानकारी के अनुसार, अभी आप लोग को जो भी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार आप लोग को बताएं, आगे इसकी अपडेट न्यूज़ जो भी निकल के आएगी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आप लोग के साथ जो है अपडेट करेंगे इसी तरह वीडियो बना के। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी मन की बात कमेंट पे लिखिएगा, अगली वीडियो में आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करेंगे, कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।